इन्हें तांत्रिक अघोरी या साधक समझने की भूल मत कीजिएगा। ये मध्य प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री हैं। शिवराज सरकार इनके भरोसे नर्मदा का कल्याण करने निकली है। इनके पास अब मंत्रियों की हैसियत वाली सुख सुविधाएं होंगी। वीआईपी गेस्ट हाउस में इनके नाम से कमरे अलॉट हो गए हैं। नाम पट्टिका लगा दी गई है। ऊंची गाड़ियों में घूमने का इंतजाम हो चुका है। लेकिन इनकी विशेषज्ञता क्या है ये देख लीजिए। शिवराज सरकार ने ऐसे 5 प्रतापियों को मंत्री के दर्जे से नवाजा है। कहते हैं इन्होंने नर्मदा की बहुत सेवा की है। कैसी सेवा की है और नर्मदा की बदहाली के बारे में इनके समझ क्या कहती है ये भी सुन लीजिए। चाहे दुनिया में कहीं भी रहें, रोज हमारा काम है नर्मदा का थोड़ा सा भी जल हम प्राप्त करना। और हमारे पास नर्मदा और गंगा का जल रखा हुआ है, जो हमारी 2-1 शीशी हैं, उनमें हम रोज प्रतिदिन हमारा काम उनकी आरती करना, पूजन करना। करोड़ों लोगों ने पूजा होगा नर्मदा और गंगा का पानी, लेकिन ऐसा प्रसाद किसी को नहीं मिला जैसा 5-5 बाबाओं को मिला। ऊपर वाले सरकार की ऐसी कृपा हुई कि नीचे वाले सरकार ने कुटिया से उठाकर सीधे राज भोगने के लिए बिठा दिया। सुविधाएं हमें मतलब आदेश हो चुके हैं, वो शीघ्र ही 1-2 दिन में हमें इसमें वाहन सुविधा, निवास सुविधा और स्टाफ की सुविधा जो है वो है। और दौरे पे जब रहेंगे तब वो विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं जो आवश्यक हैं वहाँ रुकने की, सर्किट हाउस में रुकने की, ये सब जो राज्य मंत्री के दर्जे के हिसाब से जो सुविधाएं मिलती हैं वो संपूर्ण सुविधाएं प्रदेश सरकार ने देने का बोला है और उसके आदेश हो चुके हैं। तो बाबाओं की मंडली ने मंत्रालय का कामकाज संभाल लिया है। जो अब तक नहीं हुआ था वो अब होगा। मुख्यमंत्री को पूरा विश्वास है कि बाबाओं से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं, लेकिन इनके ज्ञान का हाल तो आप देख ही रहे हैं। हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक।